मान लीजिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को यानी कि कल राज्य सरकार को तापघात यानी कि हीट स्ट्रोक के चलते जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का अहम निर्देश यहां दिया है। हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को दिया है निर्देश कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत तैयार ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने के लिए विभिन्न विभागों के समितियों की यहां पर गठन किया जाए। जस्टिस अनूप कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों को भारी आवागमन वाली सड़कों पर पानी छिड़कने, ठंडक वाले आश्रय स्थल के लिए जगह उपलब्ध कराने, लाल बत्तियों पर छाया की व्यवस्था करने, लू के रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संभव जो सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित यहाँ पर किया है। अदालत ने मौजूदा आपात स्थिति को ध्यान रखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में सरकार को ये निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अत्यधिक गर्मी के दौरान कुलियों, ठेला और रिक्शा चालकों समेत खुले में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आराम करने का परामर्श जारी करें। राजस्थान के अंदर हीटवेव चल रही है, लू से कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे, रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, किंतु सरकार बिल्कुल लापरवाही बनी हुई है। 100 दिन की कार्य योजना की बात करने वाली सरकार सिर्फ भाषणों तक सिमट के रह गई है। जैसे उसका गठन पर्ची से हुआ था, वैसे ही सरकार पर्ची के गठन के बाद से सिर्फ भाषणों तक ही अपने आप को सीमित करके रह रही है या सिर्फ फौरी रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लेता है। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो सरकार दिखाने के लिए फौरी रूप से मौकों मुआयना करती है, किंतु ठोस धरातल पे कहीं कोई इंतजाम नजर नहीं आते हैं। पानी, बिजली जो इस समय सबसे ज्यादा महती जरूरत होती है, वहां दोनों ही विभागों के अंदर उनके मंत्री बिल्कुल फेल हो गए हैं। सरकार के मुखिया जो है वो लीपापोती करके सिर्फ भाषण देने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। और आज इन्हीं सब घटनाओं के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले में प्रेरणा से एक जनहित याचिका को स्वीकार करा, उन्होंने भी सरकार को दिशा निर्देश जारी करे। तो ये इस सरकार की विफलता है कि जहां न्यायपालिका को सरकार के कामों के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, सरकार के जो रूटीन के काम है, जो सरकार के जनहित के काम है, उनको ही करवाने के लिए न्यायपालिका को बीच में आना पड़ रहा है, ये सरकार की विफलता है। मेरी सरकार के मुखिया से मांग है कि वो भाषणों को छोड़े और ठोस उपाय करें जिससे लोगों को इस मौसम में राहत मिल सके। और मेरी दूसरी सरकार से ये भी मांग है कि जहां जन लू से जो जनधन की हानि हुई है, जो पशुओं की हानि हुई है, उनको उचित मुआवजा देके उनके परिवार को संताप देने का कार्य करें।